हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। टेक बाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंस्टॉलिंग एक्टिव डायरेक्टरी। देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को इंस्टॉल करने से पहले मैं यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा डोमेन कंट्रोलर, इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर एंड व्हाई वी यूज डोमेन कंट्रोलर। देखिए, आज का जो लेक्चर है इसको देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि डोमेन कंट्रोलर क्या होता है और उसका यूज हम क्यों करते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। व्हेन वी इंस्टॉल एडीडीएस यानी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मशीन बिकम अ डोमेन कंट्रोलर। मीन्स आप जब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को जब इंस्टॉल करते हैं तो वो मशीन हमारी डोमेन कंट्रोलर कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिस्टम लिया, इस सिस्टम के ऊपर मुझे सबसे पहले एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा जो कि 2008, 2012 कुछ भी हो सकता है। 2008 आपका जो है वो प्रीवियस वर्जन है और 2012 जो है हमारा लेटेस्ट वर्जन है। यानी सबसे पहले मुझे इस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इस मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे एक सर्विस इंस्टॉल करनी होगी जो कि है एडीडीएस सर्विस। जैसे ही मैं इस सर्विस को इस मशीन पे इंस्टॉल कर दूंगा तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर कहलाएगा। इसके अलावा जो है हमारा एक चीज और है, ऑन माइक्रोसॉफ्ट सर्वर अ डोमेन कंट्रोलर डीसी इज अ सर्वर कंप्यूटर दैट रिस्पॉन्स टू सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, लॉगिन इन, चेकिंग, परमिशन एक्सेट्रा विद इन अ विंडोज डोमेन। मतलब आपका जो डोमेन कंट्रोलर होता है वो आपका ऑथेंटिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके नेटवर्क में कोई भी यूजर नेटवर्क पे रखे हुए किसी भी सिस्टम पे लॉगिन करना चाहेगा तो उसकी रिक्वेस्ट हमारी सबसे पहले डोमेन कंट्रोलर के पास आएगी। डोमेन कंट्रोलर अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि क्या उसका यूजर नेम और पासवर्ड मेरे पास है या नहीं। अगर वो पासवर्ड यूजर नेम उसके पास होता है तो हमारा डोमेन कंट्रोलर उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है कि वो नेटवर्क पे लॉगिन कर सके। तो चलिए इनको हम आगे और देखते हैं। यूज ऑफ डोमेन कंट्रोलर, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेस, यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर एंड प्रिंटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो यूजर्स, ग्रुप और कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स जो होते हैं ये सारे के सारे आपका डोमेन कंट्रोलर हैंडल करता है थ्रू अ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। मान लीजिए मेरे पास नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, कुछ ग्रुप्स है, एक यूजर है, इन सभी को हमारा डोमेन कंट्रोलर हैंडल करता है। मैं आपको यहां पे एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरा एक ये यूजर है, ये यूजर जो कि हमारा इस डोमेन कंट्रोलर में क्रिएट होता है, ये यूजर नेटवर्क में रखे हुए किसी भी सिस्टम पे लॉगिन कर सकता है। मान लीजिए ये यूजर आज यहां पे लॉगिन करता है, यूजर ने जैसे ही अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया इस मशीन के ऊपर, इसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले इस मशीन के पास आएगी जो कि हमारा डोमेन कंट्रोलर है। ये डोमेन कंट्रोलर अपने इस डेटाबेस में, जो कि मैंने बताया था कि आपके पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, ये वही डेटाबेस होता है जो इस डोमेन कंट्रोलर के पास होता है। ये डोमेन कंट्रोलर इस रखे हुए डेटाबेस में इस यूजर नेम का पासवर्ड और यूजर नेम चेक करता है। अगर वो यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट होता है तो ये सर्वर इस यूजर को यहाँ पे लॉग इन करने के लिए परमिशन दे देता है। तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर का काम होता है। चलिए इसके अलावा भी हम देखते हैं। यूजर एंड ग्रुप ऑथेंटिकेशन, सेम वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया है। बेटर पासवर्ड मैनेजमेंट मींस आप अपने सर्वर से ही बैठकर आप अपने पासवर्ड को मैनेज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक जो हमारा यूजर है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं। मान लीजिए हमारा एक ये यूजर है, ये यूजर यहां पे लॉगिन करे,
चाहे यहाँ पे लॉगिन करे, चाहे यहाँ 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 कहीं पे भी लॉगिन करे, उसको हर एक सिस्टम पे अलग अलग पासवर्ड से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ये यूजर पासवर्ड अगर भूल जाता है तो आप यहीं से इसी सर्वर पे बैठ के आप इसके पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑप्शन है बेटर पासवर्ड मैनेजमेंट, जो कि आपका सेंट्रलाइज मैनेज होता है थ्रू डोमेन कंट्रोलर। चलिए आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। जी हाँ, आप डोमेन कंट्रोलर के थ्रू आप सॉफ्टवेयर को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इसका क्या यूज है मैं भी आपको समझाता हूं। मैं पहले यहां पे ये सारी चीजें इरेज कर लेता हूं एक बार, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहे। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने डोमेन कंट्रोलर के थ्रू छोटे छोटे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप डिप्लॉय कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। मान लीजिए मेरे को एक क्रोम ब्राउजर है, सॉरी काफी मेरे पास एक क्रोम ब्राउजर है। मुझे ये क्रोम ब्राउजर जो है अपने रखे हुए नेटवर्क पे, ये जो सिस्टम्स रखे हुए हैं मुझे इस पे इंस्टॉल करना है। एक तो ये तरीका हो गया कि मैं इन सिस्टमों पे जा जाके इन सॉफ्टवेयर को मैं इंस्टॉल करूं, चाहे वो एडोब हो गया, आपका क्रोम हो गया, एक्सेट्रा ऐसे और भी छोटे छोटे यूटिलिटी होती हैं जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क। तो मेरे पास मान लीजिए चार कंप्यूटर है, तो चार कंप्यूटर में जाके मैं इजिली कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 500 और कंप्यूटर्स है नेटवर्क पे, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि मैं सभी सिस्टम पे जा जाके इस क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल करूं। तो यहीं पे हमारा डोमेन कंट्रोलर क्या करता है, आप इस सॉफ्टवेयर को डोमेन कंट्रोलर के थ्रू नेटवर्क पे डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी जैसे ही ये यूजर इस सिस्टम पे लॉगिन करेगा, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा। तो आपका जो डोमेन कंट्रोलर है वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आप नेटवर्क में बैठ के कहीं पे भी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये सारे यूज हमारे डोमेन कंट्रोलर के होते हैं। आई होप आज आपको पता लग गया होगा डोमेन कंट्रोलर क्या है। डोमेन कंट्रोलर एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज रन हो रही होती है, जो आपके नेटवर्क में रखे हुए कंप्यूटर्स, यूजर्स, ग्रुप को कंट्रोल करता है। साथ साथ ये आपके नेटवर्क के अंदर सॉफ्टवेयर को भी डिप्लॉय कर सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के साथ साथ हम एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन भी देखेंगे, तो इसी के साथ ही मैं वो वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।